आप चलो, आपकी सुरक्षा गारंटी हमारी है, हमारी गारंटी है, आपकी सुरक्षा गारंटी हमारी है। मेरे बच्चे ने गलत किया है तो उसका भविष्य उसको भुगतना था। आपके साथ है, पास में गहना तो बीवी गिरवी सी हो गई, वो गहना दे दिया तो हमने, तो अब बीवी घर में कुछ दे नहीं रही, बच्चे हो जाएगा। लेकिन फटाफट पूछो वो मारे क्यों क्लेश कर रहे हो थे? हाँ बस ये इनसे आप बताओ जाएगा, वो अपना सुन रहे हैं, मेरा फोन है तो आ जा, भाई मेरा फोन है, हम चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, कहीं भी है तू जल्दी, या तो मेरा कंट्रोल के साथ है, ऐसा काम करना है तो नहीं, जनता के सामने आके हाजिर हो जा, अरे इसको संतुष्ट कर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अगर मेरा खून है, मेरा खून है तो आ जा, जल्दी नहीं मेरे को मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है, बस सीधी बात है, अभी पूछ जाएगा बस, आ है तो दोस्तों जिस तरीके से आप देखेंगे कि अभी जो गांव में चौक में जो प्रदर्शन चल रहा था उसके बाद लोग यहां पे आ गए हैं, क्या अभी आप यहां सारे लोग बैठ गए हो घर में, क्या आगे की रणनीति, और जाएं कहां, हमारे पास में जगह कहां है ना, हमारे पास में घर क्यों, घर गिरवी है बैंक में ना, हमारे पास में बीवी के पास में गहना, तो बीवी गिरवी सी हो गई, वो गहना दे दिया तो हमने, तो अब बीवी घर में कुछ दे नहीं रही, बच्चे हमारे रोड पे हैं, 20,000 सैलरी, 80,000 का लोन है, तो बैंक वाले सारी चीजें ले जाएंगे, घर गाड़ी घोड़ा गहना, आगे की रणनीति क्या, आगे की रणनीति यही है कि यहाँ आ गए हैं यहीं बैठे रहेंगे, जब तक हमारा हिसाब कर देते हैं ये तो यहाँ से चले जाएंगे, ना हम इनको परेशान कर रहे ना इनको कोई बद तरीके से या कुछ भी बोल रहे हम इनकी इज्जत के खिलाफ, इनको यही है कि भाई आप लोग रणवीर सुभाष को और उनको जो आपके पुत्र हैं जो इतने कामयाब लोग हैं, अब क्या बोलूं मैं, ऐसे निकम्मे हैं, तो उनकी जो जमीन जायदाद है वो हमारे को दो। दोस्तों आप देखेंगे चारों तरफ कैमरामैन से कहूँ कि दिखाएं कि किस तरीके से जमकट यहाँ पूरा लग गया है, जो लोग सुबह से गांव के चौक में प्रदर्शन के लिए बैठे थे, अब भी की बात करें इनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनके पिताजी हों और सभी सदस्य थे, उनसे आपकी बात हुई, क्या जवाब दे रहे हैं? बिल्कुल सांत्वना वाला जवाब नहीं, अब देखो फादर हैं, बूढ़े हैं, तो बूढ़े माँ बाप मेरे भी हैं, भावुक हो जाते हैं, फिर वो इतना भावुक होकर देखो, भावुक तो अब आज मेरे को इतने रुपये दे दो, मेरा फादर भावुक ही रहेगा आजीवन ही, तो ये तो होशियार की है, क्योंकि ये जो इंसान है ये बूढ़े हैं लेकिन राजनीतिज्ञ हैं, तो राजनीति वाले इंसान वही मगरमच्छ वाले आंसू हैं, तो ये तो दिखाते रहेंगे, ये भावनाओं से खेल रहे हैं शुरू से ही, कभी ऑडियो से कभी वीडियो से कभी मगरमच्छ वाले आंसुओं से, तो भावनाएं यहाँ नहीं चल रही, भावनाएं तो हमारे साथ में हो रही है, हमारा इज्जत पैसा आबरू सब कुछ खो चुका है, अब हम कहाँ जाएं, हमारे को हमारा हक दे दो, हम यहाँ खुश ही नहीं रहे कि एक घंटा नहीं कर रहे ना, हमारे को अभी हमारा हिसाब कर दो, हम तुरंत चले जाएंगे। दोस्तों इस उम्मीद में जो निवेशक थे वो यहाँ पहुँचे हैं कि शायद उनके घर से उनके परिवार के सदस्यों से कोई आश्वासन मिले कोई सांत्वना मिले, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, आगे की जो भी रणनीति होगी आप जुड़े रहिए, आपको ज़रूर अवगत करवा देंगे। फिलहाल के लिए यहाँ के हालात ये हैं कि जो प्रदर्शन कर रहे थे निवेशक थे वो यहाँ सुभाष बिजाणिया जो MD था उसके घर पर आगे बैठ गए हैं।